आज सुबह के नाश्ते के बाद मैंने आधा कप चना दाल को साफ धोकर के भिगा के रख दिया था और लंच बनाना शुरू किया। उस समय फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज में तो कोई सब्जी ही नहीं थी, तो सोचा इसी मिर्ची और चना दाल का इस्तेमाल करके लंच के लिए एक पारंपरिक रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने आधा कप जो दाल भिगा के रखी थी वो दाल अच्छे से फूल गई है। 2-3 घंटा में दाल अच्छे से फूल जाती है, आराम से देखिए टूट रही है। अब इसका पानी निकाल करके इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। वैसे आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे नया नया वीडियो लाने का प्रोत्साहन मिलता रहता है। अभी यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है जिसको रफली काट के इसमें डाल देंगे। चना दाल, मूंग दाल ये तो सभी के घर में आराम से मिल जाती है, तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको भी रफली काट के इसमें डाल देंगे। अभी इसे पीसने के लिए लगभग हम आधा कप जितना पानी डाल देंगे, इससे दाल हमारी अच्छी स्मूथ पीस के तैयार हो, और ढक्कन लगा करके इसे पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं दाल एकदम स्मूथ पीस गई है, क्रीम की तरह लग रही है। इसी तरह से हमें पीस करके तैयार करना है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने फीकी मिर्ची ली है, वजन में देखें तो ये 150 ग्राम जितनी है। सबसे पहले इस मिर्ची के डंठल को हम निकाल लेंगे। डंठल आराम से निकल जाते हैं, इस तरह से डंठल निकाल लें। पारंपरिक तौर से ये रेसिपी फीकी मिर्ची से ही बनाई जाती है। यदि आपके पास इस तरह की मिर्ची नहीं हो तो मिर्ची बड़े वाली मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डंठल को अलग कर देते हैं और इसके 2 पार्ट में कर लेते हैं इसको, इस तरह से। इसके अंदर के बीज है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, पर ये बीज फीके हैं। जाति के नियत में इस बीज को नहीं निकाल रही, इसके इस तरह से पार्ट कर लेते हैं। ये लगभग मैंने 2-2 इंच के पीस कर लिए हैं, अंदाज से आप कर लें इसे। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में सामान लाया हुआ नहीं होता है, सब्जी मंगाई हुई नहीं होती है, तो उस समय ये फटाफट बना लेते हैं। खाने में स्वादिष्ट भी लगता है और झटपट बन के तैयार हो जाता है। इस तरह सभी पीस को मैंने एक जैसा काट लिया। अभी इसे भी हम साइड में रख देंगे और एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून जितना अखा धनिया डाल देंगे और 1 टीस्पून जितनी सौंफ डाल देंगे। सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितना ही राई डाल देंगे और 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देंगे। ये सब चीजों को हमें हल्का सा सेक लेना है जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। तो गैस को चालू कर देंगे और हल्की आंच में इसे सेक लेंगे, तेज आंच में नहीं सेके। इसको लगभग मैंने 1 मिनट तक सेक लिया है और 1 मिनट में इसकी अच्छी खुशबू आने लग गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे साइड में ठंडा करने के लिए रख देंगे और इसी पैन को वापस ले लेंगे और इस पैन में लगभग 1/4 कप जितना बेसन डाल देंगे। और बेसन को हमें बहुत ही धीरे आंच में सेकना है, ज़्यादा तेज आंच में नहीं सेकें। पैन हमारे गर्म है इसलिए बेसन फटाफट सिक जाएगा, पर इस चीज़ का ध्यान रखें आप लगातार चलाते रहें जिससे एक जैसा सिक के तैयार होगा। इसको सेकने के लिए हमें तेल वगैरह नहीं डालना है, ऐसे सूखा ही सेक के तैयार करना। जैसे ही बेसन सिकता है इसमें से खुशबू आने लग जाती है और बेसन खुला खुला हो जाता है। अभी बेसन हमारा अच्छे से सिक गया है और पूरा खुला खुला हो गया। देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है पर बेसन बहुत ही अच्छा सिक गया है। गैस को बंद कर देंगे और इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और इसको भी साइड में रख देंगे। तब तक साइड में जो मसाले हमने सेक के रखे थे वो पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अभी इसको इसमें डाल देते हैं और इसे खरल में अच्छे से पीस लेते हैं। इसको हमें दरदरा बनाना है, महीन पाउडर नहीं बनाना है। या मैं खरल में कर रही हूँ, आप चाहे तो हम आमदस्ते में भी कर सकते हैं या मिक्सी का छोटा वाला जार है उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी आराम से हो जाएगा। पीसने के समय इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। हल्का सा दरदरा करके इसमें डालते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हमने सभी को दरदरा कर लिया है। अभी इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अभी इसी कढ़ाई को मैंने पोंछ करके वापस ले लिया है और इसमें 3 टेबल स्पून जितना तेल डाल दिया है और गैस को चालू कर देते हैं। अभी तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में जिस मिर्ची को मैंने काट के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। आंच को अभी हम धीरे कर लेते हैं और मिर्ची को धीरे आंच में ही पकाएंगे। इस तरह से पका लेने से मिर्ची का थोड़ा तीखापन कम हो जाता है और खाने में स्वादिष्ट भी लगती है। इस समय तेल आपको शायद ज़्यादा लग रहा होगा, पर अब मैं मिर्ची एक बार में ख़त्म तो नहीं करनी है, 2-3 दिन भी ये ख़राब नहीं होती है। भी मिर्ची को थोड़ा साइड में कर लेंगे और यहाँ पर मैंने 4-5 कलियाँ लहसुन की ली जिसको पतला पतला काट लिया है, इस तरह लच्छा मैं काट लें ये इसमें डाल देते हैं और लहसुन को इस तरह से पका लेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितनी कलौंजी ली है ये इसमें डाल देते हैं। हमारे यहाँ पर इसे कलौंजी बोलते हैं, आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, जिससे कि दूसरे व्यूवर्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। लहसुन का हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, लहसुन मिर्ची के साथ साथ में अच्छे से पक जाएगा। अभी लहसुन को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर हींग डाल सकते हैं, हींग का टेस्ट भी इसमें अच्छा आएगा। इस समय इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, आप अपने घर पे एक बार बना करके देखें, आपको इतना पसंद आएगा जब भी आप मार्केट में इस तरह की मिर्ची देखेंगे घर में ला करके जरूर बना के रखेंगे। अब मिर्ची का आप देख पा रहे हल्का हल्का कलर चेंज होने लगे और थोड़ी सॉफ्ट हो गई, इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी का पाउडर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें हमारे को पानी वगैरह नहीं डालना है, मिर्ची में मॉइस्चर होता है आप देख पा रहे काफ़ी पानी छूट गया इसमें।
अभी इसमें अच्छे कलर के लिए आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। सभी चीजें अच्छे से पक गई है और जो मसाला हमने सेक करके पीस के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। मसाला तो पहले से ही पका हुआ ही है इसलिए हमें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। और मिर्ची को भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना। देखिए हल्की सी सॉफ्ट हो गई मिर्ची, ये खाने में अच्छी लगेगी। ज्यादा सॉफ्ट करने लगेंगे तो गलने लग जाएगी, फिर उसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं आता है। अब जो बेसन हमने सेक के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। बेसन हमें लास्ट में ही डालना है क्योंकि बेसन सेका हुआ है तो हमें बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में अच्छी खटाई के लिए इसमें एक टीस्पून जितना अमचूर पाउडर डाल देते हैं, जिसमें इसकी खटाई बहुत अच्छी आएगी। यदि आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप एक नींबू का रस डाल सकते हैं। बस ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं और गैस को बंद कर देंगे। और नींबू का रस डालें तो आप इस समय डालें, गैस बंद करने के बाद में डालें, जिससे कि कड़वापन नहीं आता है। इस तरह से हमारे राजस्थान की पारंपरिक बेसन की मिर्ची बन के तैयार हो गई है। इस तरीके मैं बना करके हमेशा ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो 3-4 दिन खराब नहीं होती है, पर फ्रिज में रखेंगे तो सप्ताह भर भी आप आराम से इसे खा सकते हैं। आप इसे रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, पर मैं इसके साथ खाने के लिए एक अलग चीज बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पर एक परात के अंदर 2 कप जितना गेहूं का आटा डाल देते हैं। आपके घर में जो भी आटा खाते हैं वो ले सकते हैं, यदि मल्टीग्रेन आटा खाते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें 1/4 कप जितनी सूजी डाल देते हैं। सूजी आपके पास महीन या मोटी जो भी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने जो उपमा बनाकर तैयार करते हैं वही वाली सूजी ली है। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हल्दी पाउडर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और 1 टीस्पून जितना इसमें नमक डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून जितना इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। हरे धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। यदि आपके पास हरा धनिया नहीं, इसकी जगह पर कसूरी मेथी हो तो वो भी डाल सकते हैं, फ्रेश मेथी हो तो वो भी डाल सकते हैं। और इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। ये सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसाले एक जैसे इसमें मिक्स हो जाने चाहिए। अभी जिस दाल को हमने पीस के रखा था वो दाल इसमें डाल देते हैं। चना दाल थोड़ी पाचन में भारी रहती है इसीलिए इसमें मैंने हींग डाला है। हींग डालने से पाचन में थोड़ी हल्की रहेगी। और सबको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस समय हमें पानी नहीं डालना है, जरूरत होगी तो हम इसमें पानी डालेंगे। पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसी मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। लगभग 1/4 कप जितना मैंने पानी डाला है थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। इससे मिक्सी का जार भी साफ हो जाएगा और आटा भी अच्छे से गूंध जाएगा। और इसका हमें टाइट आटा गूंद के तैयार करना है। इसमें कितना पानी लगता है वो आपके आटे पर डिपेंड करता है। यदि आपका आटा पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है तो पानी ज़्यादा भी लग सकता है। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। इस तरह से मैंने पूरे आटे को गूंद लिया है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। तेल लगाने से कि आटा सूखेगा नहीं। हल्का सा तेल लगा करके इसे इस तरह से गूंद करके रख देते हैं, जिससे आटे में सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि आटा हमने बहुत ही टाइट गूंद के तैयार किया है। इस तरह से पूरे आटे को मैंने गूंद लिया है। अभी ढक्कन लगा करके इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि आटा अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। इतना आटा गूंदने में लगभग हमारे 1/4 कप जितना पानी लगा है। मैंने 1 कप पानी लिया था, 1/4 कप जितना पानी लगा है, बाकी का पानी बच गया। अभी आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गया है, इसे खोल करके देख लेते हैं। 10 मिनट में देखिए आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अभी इसको एक बार वापस गूंद लेते हैं। आटे को गूंदना बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें से लोई तोड़ लेंगे, तो आप अपने हिसाब से लोई छोटी बड़ी तोड़ सकते हैं। ऐसे करके गोल बना लें। अभी यहाँ पर मैंने एक चकला लिया है और चकले के ऊपर लोई लाने से पहले थोड़ा सा तेल लगा देते हैं इस तरह से। और थोड़ा सा तेल ही हम बेलन के भी लगा देते हैं, हल्का हल्का लगाना खाली। और यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं और ब्लैक तिल लिए हैं। आप चाहे तो दोनों लगा सकते हैं और आप चाहे तो एक भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा हमारे को इस पर डाल देना है इस तरह से। और जो हमने लोई बना के रखी है वो लोई इसके ऊपर लगा देंगे। लोई के ऊपर आराम से चिपक जाएंगे तिल, देखिए इस तरह से तिल चिपक जाएंगे। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे, जिससे क्या बेलने में आसानी रहेगी, आराम से आप बेल पाएंगे इस तरह से। आप देख पा रहे हैं तिल के कारण से इसका लुक कितना सुंदर आया है। और फ्राई होने के बाद भी तिल का क्रंची टेस्ट है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अभी साइड में हमारा तेल गर्म हो गया है तो थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके देख लेते हैं। डालते ही ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। इसी तरह से गर्म होना चाहिए। अभी इसमें 1 पूड़ी को डाल देंगे। तेल अच्छा गर्म हो जाता है उसके बाद में पूड़ी डालनी है। और पूड़ी जैसे ऊपर आ जाती है उसके ऊपर हमारे को तेल इस तरह से डालना है, जिससे पूड़ी बहुत ही अच्छी फूलेगी। यहाँ मैं आपको पूरी बनाना बता रही हूँ, आप चाहे तो पराठा बना के भी खा सकते हैं। देखिए पूरी कितने अच्छे से फूल गई है। अभी इसको पलट देते हैं। दोनों ही साइड में हमें इस तरह से अलट पलट के इसे फ्राई करना है। हमने इसके ऊपर तिल लगाया है, आपको लग रहा होगा कि तिल डालने से पूरी फट जाएगी, पर फटती नहीं है। ये इधर से अच्छे से पक गई है, इधर से भी देखिए अच्छा कलर आ गया है। इस तरह से कलर आ जाना चाहिए। अभी इसे हम निकाल लेंगे। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ। तेल अच्छा गर्म होता है तो पूरी डालते ऊपर आ जाती है, और थोड़ा थोड़ा तेल आप इसके ऊपर डालते रहें, फटाफट ये फूल जाएगी। देखिए कितने अच्छे से फूल गई है, गुब्बारे की तरह फूली फूली पूड़ी बनती है।
और दूसरी साइड में भी इसी तरह से पका लेंगे। इधर देखिए बहुत ही सुंदर कलर आ गए हैं। इसमें हमने सूजी और चना दाल का इस्तेमाल किया है, इसीलिए पूड़ी क्रिस्पी होने के साथ साथ पोली भी बनी है। और साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने 8 पूड़ियाँ बनाई है और 8 पूड़ियाँ कचौरी की तरह फूली फूली बनी है। मैं आज इसे बेसन वाली मिर्ची और बूंदी के रायते के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो टमाटो केचप और चटनी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। बहुत बार तो मैं मेरे घर में इसे कड़ी के साथ भी सर्व करती हूँ। तो आप भी ये पारंपरिक कॉम्बो रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।